शांति बुआ ने शुरुआत की। शांति बुआ यानी उनकी पड़ोसी। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाते हुई चली आई। ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुन। कल के बम्बर से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड थोड़ा ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से शांति बुआ को बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी तो भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज थी, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा थोड़ा बच गया था, गर्मी में यह सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊ और शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। शब्दों में मिश्री बोलकर पत्नी बोली, मिश्री बोलकर बोली यानी मीठी बातों से बोली, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और फ्रिज में रख दिया गया। उसी संध्या यानी शाम के वक्त लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी यानी डबल खुशी हुई। लेखक सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से है ना? दीनदयाल कहते हैं, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो ना? आपकी दया से। लेखक कहते हैं, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? लेखक कहते हैं, हाँ जी आपकी दुआ से लॉटरी में मैं जीत गया, आइए देखिएगा। लेखक ने कहा। वे बैठे रहे और बोले, देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। इस बात पर लेखक सिर्फ चुप रहे। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। पत्नी आम की आइसक्रीम तश्तरियों में यानि प्लेट में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। लाला जी बोले, नहीं बेटा मुझसे नहीं खाई जाएगी। लेखक ने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। इस पर लाला जी कहते हैं कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। यह बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता तो क्या अच्छा लगता? लेखक पत्नी से कहते हैं, विमला इसे ले जाओ और बांट दो, नहीं तो ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं, यानी छूत की बीमारी जैसे। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भरकर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी करेले नहीं मिल रहे थे। बेनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए लेके आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना वो भी सब हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को यह रेफ्रिजरेटर दे दूँ और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीटकर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी यानी चीज़ें जो पड़ी थी, चिंता ने तो चेतना की चिता ही जला दी।